एक टीचर की स्टोरी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। टीचर जैसे ही क्लास में इंटर करता है, इंटर करने के बाद में एक बच्चे को खड़ा करता है और बोलता है कि चल रीडिंग करो। बच्चा रीडिंग करना शुरू करता ही है कि टीचर की आवाज़ आती है, बैठ जाओ, और बच्चा कांपते हुए बैठ जाता है। फिर किसी और बच्चे को कहता है तुम रीड करो, और बच्चा रीड करना शुरू करता है, फिर आवाज़ आती है बैठ जाओ, बच्चा बैठता नहीं है, रीडिंग करते रहता है। दो तीन बार टीचर बोलता है बैठ जाओ, बच्चा रीड करते रहता है, टीचर फिर बोलता है बैठ जाओ, रीड करते रहता है। जब तक वो पैराग्राफ ख़त्म नहीं होता तब तक वो रीड करता है, और जैसे ही ख़त्म करता है टीचर ने कहा तुमने तो कमाल कर दिया। जिस बच्चे को पहले टीचर ने बैठाया था वो बच्चा उठ करके बोलता है सर मैं भी तो यही पढ़ रहा था। टीचर बोलता है इसे पता था कि ये सही पढ़ रहा है। तो गाइस, दुनिया आपको हमेशा बोलेगी कि तुम गलत हो, कभी बोल के बताएगी, कभी एक्सप्रेस करेगी, कभी अलग अलग तरीके से आपको इंडिकेट करेगी कि आप गलत हो, हम सही। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और आगे उसको करो। क्योंकि दुनिया से हट करके जब तक आप नहीं करोगे, जब तक दुनिया के नज़र में आप पागल नहीं नजर आओगे, तब तक आप सक्सेसफुल भी नहीं। आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, उसमें बेस्ट लगा दो, जान लगा दो, आगे रुको मत।